तो माइनक्राफ्ट के अंदर हर वर्ल्ड की अपनी एक अलग सीड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके हर एक एरिया का अपना एक अलग पिन कोड होता है या फिर आपके आईडी कार्ड का नंबर जो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसीलिए आज के इस एपिसोड के अंदर मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की कुछ अनोखी सी सीड जो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में हम लोग कुछ ऐसी सीड्स भी ट्राई करने वाले जिनको देख के आप लोग बिल्कुल चौंक जाने वाले हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहली सीड को ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के 1.12 वर्जन के अंदर। तो सबसे पहले हमें एक न्यू वर्ल्ड बना के इस सीड को डाल देना है जिसमें हमें बहुत सारी पिंक शीप मिलने वाली हैं। चलो मैं वर्ल्ड में तो आ चुका हूँ और फिलहाल मुझे अभी दूर दूर तक कोई भी पिंक शीप देखने को नहीं मिल रही। तो चलो आगे चल के देखते हैं, क्या पता हमें एक साथ बहुत सारी पिंक शीप देखने को मिल जाए। ये देखो फाइनली मुझे पहली पिंक शीप मिल चुकी है, और वो देखो सामने भी एक और पिंक शीप खड़ी हुई है। वैसे गाइस मेरे पास अभी भी एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि इन पिंक शीप को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ इस छोटे से एरिया के अंदर ही मुझे टोटल 7 पिंक शीप से भी ज्यादा मिल चुके हैं, और अभी भी बहुत सारी सामने घूम रही हैं। वैसे बाकी सीड्स के अंदर पिंक शीप का मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन इस सीड के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको भी पिंक शीप बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर इस वर्ल्ड में जरूर आना। तो ये है हमारी नेक्स्ट सीट। वेल स्पॉन होते ही आप लोग डेजर्ट बायोम में आ जाने वाले हो, जहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला कैक्टस। तो यहाँ आपको पास में देखने को मिलने वाली है एक बहुत बड़ी केव, और एक दफा यहाँ से नीचे देखो, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया भाई? इतने ज्यादा नीचे, पूरे -53 ब्लॉक्स नीचे आप लोगों को दिखने वाला है एक डेजर्ट टेम्पल। और सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज तक इससे पहले माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसी जगह पर डेजर्ट टेम्पल नहीं देखा। तो जब भी हम लोग कोई डेजर्ट टेम्पल देखते हैं तो हमें उसको लूटने की चुल मचती है, लेकिन जब आप लोग इस डेजर्ट टेम्पल को लूटने जाओगे और जैसे ही नीचे पहुंचोगे तो आप लोगों के साथ गंदा वाला स्कैम होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डेजर्ट टेम्पल -53 ब्लॉक्स नीचे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ बेडरॉक देखने को मिलने वाला है। तो माइनक्राफ्ट के अंदर मशरूम आइसलैंड सबसे ज्यादा यूनिक रियर एंड स्मॉल बायोम है, जिसको ढूंढने में हर प्लेयर को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इस वाली सीड में जैसे ही आप लोग इंटर करते हो तो आप लोग स्पॉन होने वाले हो शिपरेक के ऊपर। यहाँ पे आपको एक चेस्ट भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ कचरा मिलने वाला है। यहाँ से हमारे जस्ट सामने आपको देखने को मिलने वाली है मशरूम आइसलैंड, लेकिन ये माइनक्राफ्ट की अब तक की सबसे बड़ी मशरूम आइसलैंड है। ये देखो मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस फुल करा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरा लोड नहीं हो रहा। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज तक इससे बड़ी मशरूम आइसलैंड बायोम नहीं देखी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि हम लोग इतने बड़े मशरूम आइसलैंड के साथ क्या कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट सीड है वो बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। ऐसे ही आप लोग सीड के अंदर आओगे तो आप लोग स्पॉन होने वाले हो एक विलेज के अंदर, जहाँ पे आपको चारों तरफ देखने को मिलने वाली है मैनग्रोव बायोम। लेकिन गाइस मैं एक बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो देखो यार, ये है एक प्लेन विलेज, लेकिन फिर यहाँ पे ये जंगल वाले विलेजर्स क्या कर रहे हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसे गाइस आप लोग इस जगह को अपना सीक्रेट बेस बना सकते हो, क्योंकि इस जगह को फिर कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। बस आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग खुद रास्ता मत भूल जाना। मस्त प्लान है। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा आइटम जो हर एक प्लेयर को चाहिए, तो मैं बात कर रहा हूँ इलाइट्रा की, जिसको लेने के लिए हमें सबसे पहले एंडर ड्रैगन को मार के एंड सिटी में जाना पड़ता है। बट गाइस कभी कभार क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एंड शिप को ढूंढने में। इस सीट में जाके जैसे ही आप लोग एंडर ड्रैगन को फिनिश करोगे तो वेल ये रहा पोर्ट है जिसकी हेल्प से आप लोग एंड सिटी में जाते हो। तो जैसे ही आप लोग एंड सिटी में जाओगे तो आप लोग डायरेक्टली स्पॉन होने वाले हो एंड शिप के ऊपर, जहाँ से इलाइट्रा को लेना बहुत ज्यादा ईजी है। बस एक दो शल्कर को मारना है, और ये रहा सामने इलाइट्रा। इलाइट्रा मुझे कितना इजीली मिल गया यार, अब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस हम सबको विलेज लूटना बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर हमें विलेज स्पॉन होती मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। जैसे ही आप लोग इस सीड में इंटर करोगे तो आप लोग स्पॉन होने वाले हो चेरी बायोम के छोटे से माउंटेन पे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सीड में ऐसा खास क्या है। वेल ये है वो माउंटेन जिसपे हम लोग स्पॉन हुए थे, और इसके आगे आपको देखने को मिलने वाले विलेज नंबर 1, ये है विलेज नंबर 2, ये रहा विलेज नंबर 3, और भाई ये है विलेज नंबर 4। इतने से एरिया में हमें टोटल 4 विलेजेस मिलने वाले हैं, वो भी इतने करीब करीब। सच्ची बता रहा हूँ ये सीट बहुत ज्यादा एपिक है, और अगर आप स्पीड रनर हो तो आपके लिए ये सीट बेस्ट होने वाली है। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट सीट है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सीट के अंदर एक लेक है जो बहुत सारे माइनक्राफ्ट के बायोम के माउंटेन से घिरी हुई है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर हार्ट शेप बनाती है। अच्छी बता रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीट को ट्राई करने के लिए। तो ये है वो सीट जिसके अंदर हमें हार्ट शेप वाली लेक देखने को मिलने वाली है। ओके मैं स्पॉन तो हो चुका हूँ, और मेरे सामने एक लेक भी है। ये देखो गाइस ये वही लेक है, और इसके चारों तरफ अलग अलग बायोम के माउंटेन्स भी है, और ये प्रॉपर एक हार्ट शेप बना रही है। सच्ची में यार ये लेक दिखने में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं तो बोलूंगा गाइस एक दफा
आप लोग भी इस सीट को जरूर ट्राई करना। ओके। तो देखो यार, जब भी हम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में खेल रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है दूसरी बायोम को ढूंढने के अंदर, लेकिन जब मैं अब आपको सीट बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको सारी बायोम एक साथ देखने को मिलने वाली है। मैं नहीं मानता। जैसे ही आप लोग ये सीट इंटर करोगे तो आप लोग स्पॉन होने वाले हो एक केव के अंदर। मुझे क्यों तोड़ा? चलो, मैं केव से बाहर तो आ चुका हूँ और मुझे सामने पहली अपनी बायोम दिख चुकी है और ये दूसरी बायोम, और यहाँ पे स्नो बायोम भी है और इसके बिल्कुल बराबर में आपको देखने को मिलने वाली है डेजर्ट बायोम। जी मैं यार, एक दफा ये व्यू देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है दिखने में। और वो देखो सामने बैडलैंड्स बायोम भी है। सच्ची में यार, ये कितनी बेस्ट सीट होने वाली है सर्वाइवल के लिए। तो अगर आपको मेरी तरह सर्वाइवल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है फिर आप लोग इस सीट को जरूर ट्राई करना। सच्ची बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली बायोम्स को ढूंढने में। मस्त प्लान है। जो हमारी वीडियो की लास्ट सीट होने वाली है वो थोड़ी सी हॉरर होने वाली है। इस सीट को एंटर करने के बाद आप लोगों को इन कोऑर्डिनेट्स पे आना है। तो यहाँ पे आपको एक विलेज देखने को मिलने वाला है जहाँ पे एक भी घर नहीं है। सच्ची में यार, ये दिखने में कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे तो अब तक ये समझ भी नहीं आ रहा कि सारे घर गायब कहाँ हो गए। यहाँ पे आपको एक केव भी देखने को मिलने वाली है और जैसे ही आप यहाँ से नीचे जाओगे भाई, आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है उस विलेज की वेल। पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे वेल कैसे आ सकती है। और यहाँ पे एक आयरन गोलम भी है जिसके साथ दो विलेजेस भी हैं। सच्ची में यार, ये सीट मुझे तो बहुत ज्यादा स्कैरी लगी है। तो गाइस, अगर आपके पास भी ऐसी माइनक्राफ्ट की क्रेजी सीट्स हैं तो आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे शेयर कर सकते हो और उधर हम लोग बहुत सारी बातें भी कर पाएंगे। तो याद से मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। तो चलो, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आपको इनमें से सबसे अच्छी सीट कौन सी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे पता है कि आप लोग मेरी सर्वाइवल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हो, तो गाइस वो बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासी आर्मी के मेंबर बन जाओ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। पीस आउट।